इसके साथ। पंकज सर रेडी हो, आगे जाओ। पंकज पंकज उधर उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूं। सर वहां पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे भी कोई नहीं है, लगता है भाग गया। सर वो कौन होगा? ऐसे लोगों का नाम नहीं होता पंकज। पैसा दो, मरो या मारो। हेलो सालिका जी। अभिजी जी आप। वो दरअसल मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि उस घर में से तुम लोगों को जो खून मिला था ना, सूखा हुआ खून, वो खून सागर का ही है। अरे वाह, बड़ी जल्दी पता लगा लिया इस बार आपने। अरे यार दरअसल वो क्या है कि एसीपी प्रद्युम्न नहीं है ना, वो होते हैं तो उन्हें थोड़ा चिढ़ाने में, सस्पेंस बढ़ाने में, उन्हें गुस्सा दिलाने में थोड़ा मजा आता है। सर ये खून सागर का है, इसका मतलब सागर को उस घर में मारा गया और फिर उसकी लाश को तालाब में फेंका गया। सर लगता है सागर को पता चल गया था बॉबी के बारे में, इसलिए उसका पीछा करते करते वो उसके घर गया। मगर जैसे उसे पता चला उसने सागर का खून कर दिया। सागर और अनन्या का अफेयर चल रहा था, तो हो सकता है सागर ने अनन्या को बता दिया हो कि उसके पिता धनंजय जी की फैक्ट्री में कुछ गोलमाल चल रहा है। और ये बात अनन्या किसी को बता ना दे, इसीलिए उसे किडनैप किया गया। अब सारा चक्कर मेरी समझ में आ रहा है। मगर सर बॉबी फैक्ट्री में क्यों काम करेगा, उसका मकसद क्या था? इसी का तो पता लगाना है पंकज। अभिजीत जी, तारिका जी, हाँ प्लीज। थैंक यू जी। अभिजीत आप लोग जो जला हुआ फोटोग्राफ लेकर आए थे, इसे मैंने काफी साफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह से साफ हो पा रहा है। अरे वाह 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 तारिका जी, ये तो काफी क्लियर है। हमेशा की तरह आपने हमारा काम आसान कर दिया है। तीन लोग दिख रहे हैं, ये तो बॉबी है और ये दोनों, ये जरूर उसके साथ ही होंगे। सर इनके हाथों पे ये कैसे निशान है? निशान टैटू बनाया हाथ में। और एक बात नोट की, ये तीनों के हाथ में एक जैसा ही टैटू है। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? अच्छा नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, धनंजय जी का फोन था, उनकी फैक्ट्री से केमिकल गायब हो गया है। सर जरूर इसमें बॉबी का हाथ होगा। लग तो ऐसा ही रहा। सर बॉबी को इस केमिकल की क्या जरूरत पड़ी होगी? कोई ना कोई प्लान तो बना रहा होगा वो। पहले इस टैटू के बारे में पता लगाना होगा, और उसके लिए एक काम का आदमी है। जैसे
इन लड़कियों को ट्रक किया गया मेरी तरह, मुझे कहीं किडनैप तो नहीं, मुझे किडनैप किया गया है। मैं मुझे यहां से निकलना होगा। मैं बस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैच काफी रोमांचक मोड पे पहुंच गया है। एक बॉल में दो रन चाहिए। क्या ढेचू इस बॉल पे विकेट ले पाएंगे? क्या सागर इस बॉल को बाउंड्री के पार कर पाएंगे? और ढेचू ने ये बॉल डाली और ये बॉल! और इसी के साथ फ्यूचर ग्रुप मैच जीत गए। कैसा गोल किया! सर आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए? चलो तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। इस निशान को पहचानते हो? ये निशान देखिए, ड्रामा बंद कर, मालूम है तो बता। सर ये निशान तो रैफेली गैंग का निशान है। और सर ये गैंग बहुत ही खतरनाक गैंग है। सर इस गैंग में जो भी शामिल होता है उसे यही टैटू अपने हाथों पर खुदवाना पड़ता है। ताकि अपने गैंग के मेंबर्स को पहचानने में आसानी हो। हाँ सर। लड़की का ही है गैंग? ये गैंग पहले लड़कियों का किडनैप करती है, फिर उनसे ड्रग्स की स्मगलिंग करवाती है। मुझे तो ये भी पता चला है सर, एक बार इस गैंग ने किसी लड़की का किडनैप कर लिया, फिर वो लड़की कभी नहीं मिलती सर। तो ये बात है सर, लेकिन ये टैटू आपको मिला कहाँ से? एक किडनैपिंग के केस में इस गैंग के एक मेंबर को ढूंढ रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये गैंग के मेंबर सब कहाँ मिलेंगे? सर इनमें से कुछ लोगों का अड्डा तो मैं जानता हूँ, लेकिन सर ये सब बहुत पहुँचवी माया है, मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। मुंह खुलवाने का काम तो मुझ पर छोड़ो, ये बताओ ये लोग मिलेंगे कहाँ? और डाल दे। पुलिस, ए, भारत पुलिस है। पुलिस को इस जगह के बारे में कैसे पता था? तुम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। उन्हें तो वाकई हमें घेर लिया। अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। क्या कर रहा? पागल हो गया क्या? अबे अगर इधर तो गोली चलाएगी ना तो गोलियों की बौछार हो जाएगी, गोली डालेंगे हम लोगों को। अरे तो क्या करें? कोई चारा नहीं है, अगर जिंदा रहना है ना तो तुम लोगों को इन लोगों के हवाले होना पड़ेगा। देखो मैं पांच तक गिनूंगा, हमारे पांच गिनने से पहले अगर तुम बाहर नहीं आते तो फिर हम फायर करेंगे जिसमें तुम सारे लोग मारे जाओगे। एक, दो, तीन। आ रहा हूं, गोली नहीं चला सकता। आ रहा हूं।
चलो निकलो, जल्दी से हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। निकलो। कौन हो तुम लोग? अरे पहचाना नहीं? हमें खबर मिली थी कि पुलिस यहाँ पे छापा मारने वाली है, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे तुम लोग को बचाने के लिए। चलो अरे खड़े भी करते रहो। चलो ए, तुम हमारी गैंग के मेंबर हो, लेकिन पहले तो तुम दोनों कभी नहीं देखा। सान फरामोश गुस्सा दिला रहे हैं। एक तो मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया, पांच पांच पुलिस वालों को मारा, बोलता है कौन है तुम लोग? ठीक है मैंने पहचान लिया ना आपको। पहचाना ना? हाँ पहचान गया। ओ भाई एक काम कर, चले निकल जल्दी। कभी मिला है क्या? अरे टेढ़ा है क्या? अबे इतना आसान नहीं है बॉस से मिलना। हम लोग ना एक महीने से काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं देखा बॉस को। हाँ बॉस। हाँ भाई इधर सब ठीक है बॉस? नहीं बॉस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग। नहीं बॉस ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक तो ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में दिमाग थर दर्द हो रहा है मेरा। शादी हो गई ना तुम्हारी, इन लोगों के चक्कर में आदमी फंस जाए ना तो। हाँ बोलो। नहीं नहीं मेरा, अरे यार तू गाड़ी चला, मेरा मतलब ये नहीं। नहीं सुनो। हाँ हाँ ठीक है बॉस, मैं सब संभाल लूंगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है इधर। हाँ वो जेपी रोड वाले घर से मैं उन दो लड़कियों को लाने के लिए किसी को भेजता हूँ। जी बॉस। अरे हाँ बॉस मैं सब देख लूंगा बॉस। हाँ वो वहाँ पर भेज दूंगा मैं अपने पुराने वाले अड्डे पर जहाँ बाकी लड़कियों को रखा हुआ है। अच्छा सुनो, ठीक टाइम पे हो जाएगा सब काम। ओके बॉस। ओके ओके बॉस। हाँ 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 अरे आ जाऊँ। अरे तू गाड़ी चलाना यार, क्या सुन रहा है। चलो चलो निकालो सब सामान, कहाँ रखना है मालूम है ना? रोज का काम है पुन का मालूम है। हाँ ठीक है चल मदद करना। ए, चल ला। और अंदर से निकाल। अच्छा, सो अपने से नहीं पूछा ना क्या बताता। अच्छा तो ये है इन लोगों का अड्डा, ब्यूरो में फोन करना पड़ेगा। एक बात बताऊं भाई, लाइफ में 10 लफड़े करना, लेकिन गर्लफ्रेंड के लफड़े में मत फंसना भाई। हेलो। हाँ डार्लिंग। डार्लिंग कौन? डार्लिंग अरे अरे सुन तो, मैं थोड़ा अटक गया हूँ भाई। अरे आता हूँ डार्लिंग। ए, ए,
ये सीआईडी ब्यूरो है और मैं इंस्पेक्टर फ्रेडी बात कर रहा हूँ। अरे ऐसा मत बोल रहे, तू तो मेरी जान है। और एक बार जान बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे डार्लिंग, थोड़ी देर के लिए मैं तेरे से दूर क्या हो गया, तू मेरे को भूल गई है? अरे ये रॉन्ग नंबर है, फोन रख, फोन रख बोला ना, फोन रख। किसका फोन है? डार्लिंग सर, कोई मेरी जान खा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता है। हेलो, ये सीबी प्रद्युमन है, कौन बोल रहा है? डार्लिंग मैं एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ, वरना आप तो जानते हैं मैं तेरा कहा कभी नहीं टालता। अभिजीत है, लगता है गैंग में घुस गया है, कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। अभिजीत बोलो। अरे मेरा विश्वास करो ना भाई, अरे मैं उस गोडाउन में अटक गया हूँ। कहाँ पर है ये गोडाउन? अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा गुस्सा मैं अभी ठंडा किए देता हूँ। हम लोग ना सीमित नगर वाले रेस्टोरेंट में मिलते। अरे हाँ, सीमित नगर वाले रेस्टोरेंट जहाँ पे पिछले हफ्ते मिले थे। खिलाऊंगा तेरे को पनीर टिक्का, खिलाऊंगा तेरे को, बहुत अच्छा लगता है मालूम है मेरे को। गोडाउन सुमित नगर के पास ही है, हम लोग अभी आते हैं। अच्छा सुन 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 सुन। क्या? अरे एक काम कर, आते वक्त जेपी रोड वाले मेरे मकान से दो पार्सल लाना मत भूलना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। और अभी अभी कट कर दिया, जेपी रोड वाले घर में दो पार्सल, इन बदमाशों ने जरूर दो लड़कियों को बंदी बना के रखा है जेपी रोड वाले घर में। श्रेया और पूर्वी कहाँ है? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मेरे को नहीं पहचानते हैं? अपुन हंसु हटेला, यहां कभी आया? 10 मिनट 27 सेकंड पहले आया हूं, वैसे दुनिया में बहुत पहले आ चुका हूं। कहां से आया है? एक मिनट, मेरे से इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है? मेरे साथ केबीसी खेल रहा है क्या? अरे भाई, इस टेम्पो के साथ आया हूं और क्या? अच्छा, चंदन के साथ आया क्या? हाँ वो चंदन के साथ आया। ए चंदन, ये तुम्हारे साथ आए क्या? हाँ बॉस, ये भी और ये भी, दोनों अपुन के साथ ही आए। जानते हैं लोगों को? नहीं बॉस, मैं जानता तो नहीं हूं, पर इनके हाथ पे अपुन के गैंग का निशान है और इन लोगों ने अपुन सबको पुलिस से भी बचाया और पुलिस वालों पे गोलियां भी चलाई। बॉस, इन्होंने गोली चलाई और तूने अपना दिमाग नहीं चलाया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो पुलिस असली थी या नकली? बॉस, हम लोग नौटंकी वाले नहीं है, इस गैंग के मेंबर हैं और बहुत वफादार हैं। वफादार? ये क्या कर रहा है? अरे गन 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 का क्या कर रहा है यार? नहीं, देखा अपनी वफादारी, मार इसे। चला अपनी गोलियां दिखा वफादारी। मार, अरे सोच क्या रहा है, मार।
पता लगाने के लिए तेरा मुंह तो क्या, तेरे हाथ पैर भी तोड़ देंगे हम। बता कौन है तू, बता। अभी सिर्फ इतना बता सकता हूं, हम पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। अरे अभी हमें सिखाएगा कि सही क्या और गलत क्या है? तू पक्का गैंग का आदमी है ना, है? हमारे यहां की इंफॉर्मेशन निकाल आया था बाहर। सलाम बॉस। वो दो आदमी मेंबर बन के अपनी गैंग में घुस गए थे ना, बॉबी साहब ने उन्हें पकड़ लिया, अभी सब सच बोल देंगे। अब बोल, अभी तक बहुत चिक 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 कर रहा था ना, अब क्यों हो गई तेरी बोलती बंद? हंस रहा है, दांत दिखाता है, तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा मैं। हाँ बॉस। अरे दोनों सीआईडी है, सीआईडी इंस्पेक्टर है, अब होगी तुम्हारी मौत। तुम हमें बताओ ना, बताओ हमारे बॉस ने तुम्हें पहचान लिया है? अब ये बताओ कि पहले तुम दोनों में से मरेगा कौन, तू या तू? चल तू बता कौन मरेगा। बस पहले इसे मारो, इसे, इसने बहुत जोर से मारा था मेरे को। गन फेंको, चलो। ए, बंद करो अपना तमाशा वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी मैं। अपनी अपनी गन नीचे डाल दो, नीचे डालो जल्दी, फास्ट जल्दी। अरे क्या मंजर है आज, पूरी सीआईडी टीम मेरे सामने घुटने टेक चुकी है। बोलो बोलो पहले किसको उड़ाऊं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। आग के साथ कभी मत खेलना, सीआईडी आग है, आग जलकर खाक हो जाओगे। बताओ बताओ क्या करने वाले थे तुम इन पटाखों से? कर
करने वाले नहीं थे, कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे ज्यादा पटाखे जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके, अब तो सिर्फ धमाका होगा, धमाका, बम, दिवाली, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। ओए, सोया हुआ है तू? तुझे यहाँ देखने के लिए बिठाया था कि सोने के लिए? काय को बम बम कर रहा है? लड़कियां ऊपर ही है ना, जा। छोड़ इसको, चल चल। आगे आराम से, उस टेम्पो से गाड़ी दूरी रखना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। सर, ये लोग प्रिया और पूर्वी को लेके कहाँ जा रहे हो? शायद उसी जगह पे जहाँ पे अनन्या और बाकी के लड़कियों को रखा गया। टेम्पो कहाँ गया? ऐसा अचानक गायब हो गया? अचानक गायब कहाँ हो गया? कोई बात नहीं सचिन, जीपीएस सिस्टम से पता चलेगा कि कहाँ गया। एक काम करो, यू टर्न लो, यू टर्न लेके लेफ्ट। श्रेया और पूर्वी कहाँ गए? इस बिल्डिंग में तो नहीं लेके गए? श्रेया और पूर्वी कहाँ हैं? वो दोनों लड़कियाँ कहाँ हैं? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कौन लड़की कैसी लड़की? देख सच बोल वरना। ये देखिए सर, ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें श्रेया और पूर्वी को लेके आए, ये तो कोई और गाड़ी है। नंबर भी अलग है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? जीपीएस ट्रैकर के मुताबिक टेम्पो की लोकेशन तो यहीं पर है। जीपीएस ट्रैकर इसमें लगा हुआ है सर। ओह नो, इसका मतलब है किडनैपर्स को पता चल गया था कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए इसे यहां पे लगा दिया। मुझे श्रेय और पूर्वी की फिक्र हो रही है, जाने वो बदमाशों ने कहां लेकर गए। ये कौन है? हेलो, पहुंच गए बेवकूफों की टोली। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। अगर पूर्वी और श्रेया को कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, इतना याद रख। तुम्हारी ये धमकियां मुझे छोटे छोटे कंकड़ की तरह लग रही हैं।
तुम यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता था यार, कुछ नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा? मैं सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ, समझे? हर क्रिमिनल को यही लगता है, छुप के तू ये सब कर रहा, तुझे क्या लगता है तू बहादुर है, हा? चालाक है? नहीं तो बुजदिल है, डरपोक है। तो हारे हुए आदमी को अक्सर अपनी हार मानने में तकलीफ होती है, पर सच तो यह है कि तू अनन्या को नहीं बचा सका, और तुम्हारे साथी श्रेया और पूर्वी तू उन दोनों को भी नहीं बचा सकता। तू हार गया है दया, तू हार गया है, मैं जीत गया हूँ। बहुत जल्द सारे लोग काली दिवाली मनाएंगे। तुम नहीं रोक पाओगे दया, तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं, और मैं मनाऊंगा शानदार दिवाली विदेश में। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम। अरे बोल ना। अरे तू चुप कर जा, ये कौन है क्या? अरे काम है सब के सब, संभालो कोई हिसाब तो। वैसे मेरे माथे पड़ गई है, ये तू चुप कर जा। मुझे चक्कर आ अब ये कैसे पता चलेगा कि उन किडनैपर्स ने श्रेया और पूर्वी को कहां छिपा के रखा? एक मिनट गाड़ी रोको साइड में। क्या हुआ सर? एक मिनट, उस किडनैपर ने जो फोन किया था उसकी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनते हैं, शायद बैकग्राउंड में कोई आवाज है। पहुंच गए बेवकूफों की टोली। हां सर, बैकग्राउंड में कुछ आवाज तो आ रही है। एक मिनट, एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। पहुंच गए बेवकूफों की टोली। मोटर की आवाज, बोट, लगता है बोट की हॉर्न की आवाज है शायद। शायद नहीं सचिन, ये बोट की हॉर्न की ही आवाज है। इस आदमी ने जहाँ से फोन किया है उसके आसपास कहीं पे बोट है। लेकिन सर ऐसी तो बहुत सी जगह है जहाँ पे बोट है, ये कैसे पता चलेगा कि उसने फोन कहाँ से किया है? हेलो ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेम्पो जेबी रोड से केएमपीएम रोड की तरफ गई है। ओके ओके थैंक यू। सर ये रास्ता तो सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ जाता है। एक काम करो सचिन, गाड़ी को सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ घुमाओ। सर श्रेया और पूर्वी में वहीं मिलेंगे, जल्दी। ये
देश से बहुत दूर जहां तुम लोगों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और जाते जाते बाय बाय इंडिया तो बोल दो। आज के बाद अब इस धरती पर कभी पैर नहीं रखोगी और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी ढूंढ भी पाएंगे। भाई प्लान के मुताबिक सारी सेटिंग हो चुकी है, वोट आने वाली है, बस हमारे निकलने की देरी है। पूर्वी लड़कियां सब ठीक है? सर अनन्या नहीं है। तो फिर अनन्या कहां है? सर वो नहीं। ए रे सचिन यहीं पे रुकना। चल नहीं तो मार दूंगा। ए रुक जा वरना गोली मार देंगे। देखो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वैसे भी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखो अनन्या को छोड़ दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ठीक है हम आगे नहीं आते, मगर तुम अनन्या को कुछ नहीं करोगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम सब रहो यहाँ पर, हम तो चले। परदेश जाने का बहुत शौक है हाँ? तुम? रिचा? तुम? तुम? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, तुमने ये सब क्यों किया? और जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया उसका क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अजय से बहुत प्यार करती थी। अजय धनंजय अंकल की फैक्ट्री में काम करता था। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन धनंजय अंकल की फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसमें धनंजय की क्या गलती थी? गलती थी उनकी गलती। कंजूस थे वो, उन्होंने पैसे बचाने के लिए कभी भी सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। और तो और उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को हर्जाना तक नहीं दिया उन्होंने। शिक्षा मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, तुमने मुझे बताया क्यों? पता होता भी तो क्या करती तुम अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाती। ठीक एक साल पहले दिवाली में अजय की मौत हुई थी,
तब मैंने तय किया कि इस बार की दिवाली मैं सबके लिए काली कर दूंगी, एकदम काली। उन लड़कियों के साथ क्या करती थी तुम? ड्रग्स की स्मगलिंग। लड़कियों के शरीर के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते थे। और सागर को ये बात पता चल गई, और सागर ये सब अनन्या को बताने वाला था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मगर अनन्या, उसको किडनैप क्यों किया तुमने? एक तीर से दो निशाने लगाए मैंने। मेरा ड्रग्स स्मगलिंग का काम भी चलता रहता, और धनंजय अंकल को महसूस भी हो जाता कि जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन तुमने भी जो कुछ किया वो गलत किया। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ, इससे भी बड़ा प्लान है मेरे पास, जो धनंजय अंकल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बर्बाद। बदले की आग में पागल हो गई हो तुम। ले जाओ इसे। चलो। लगता है इसका बड़ा प्लान उन पटाखों से जुड़ा हुआ है जो हमें गोडाउन से मिला था। लेकिन इस प्लान का पता कैसे चलाएंगे सर? ये सारा प्लान धनंजय को बर्बाद करने का है। धनंजय से ही बात करते हैं। धनंजय जी, एसीबी प्रद्युमन। जी एसीबी साहब। देखिए खुशखबर है, आपकी बेटी अनन्या मिल गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है और सही सलामत भी है। लेकिन और एक बात, ये सारा षड्यंत्र अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त रीचा ने रचाया था। रीचा ने? रीचा? लेकिन क्यों सर? बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात बताइए पहले, क्या आपने दिवाली के अवसर पर कोई फंक्शन प्लान किया है? मेरा मतलब है अपने फैमिली के साथ फंक्शन हो, या फिर बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, या उस तरह का कोई बड़ा फंक्शन? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, पर हाँ, हमेशा की तरह इस साल भी मेरी कंपनी ने आरडी ग्राउंड में चैरिटी फंक्शन का आयोजन किया है। आरडी ग्राउंड? ये क्या कर रहे हो? देखिए, हमने ये जो किया आपकी भलाई के लिए किया है। आपसे एक विनती है कि इन पटाखों को बिल्कुल आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि इन पटाखों में जहरीला केमिकल है। बस यही कहूंगा कि आप सब लोग घर जाइए और घर जाकर दीपावली की खुशियां मनाइए। तुम और पंकज पटाखे ले चलो साथ। बच गए सर, वरना तबाही मच जाती है। हाँ अभिजीत, अंत भला तो सब भला। अरे, और आप लोग भी पटाखे संभाल के जलाइए और दिवाली की खूब खुशियां मनाइए। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।